लोग जहाँ भी होगे और जैसे भी होगे भाई हो, बहुत मज़े में होगे। ये ब्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है क्योंकि भाई इस बार कुछ बहुत ही अलग होने वाला है। इस बार हम लोग जाने वाले हैं भाई दिल्ली टू मनाली बाई रोड, और इस बार बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, इस बार जाने वाले हैं भाई सेल्फ ड्राइव कार करके। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी हम जा रहे हैं भाई शिवाय रेंटल कार पर, वहाँ पर अपनी कार उठाने, और सेल्फ ड्राइव कार है, मतलब कि सारा एक्सपीरियंस हम खुद से करने वाले हैं, खुद ड्राइव करके। तो अभी चलते हैं भाई वहाँ पर, कार उठाते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और इस ब्लॉग में हम जो दिल्ली टू मनाली जो जा रहे हैं वो सारी डिटेल एकदम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रूट है, क्या फेयर हो रहा है, कहाँ कहाँ स्टे कर रहे हैं, क्या फूड ले रहे हैं, मतलब ओवरऑल पूरा बजट बताएंगे किस तरह से हम ट्रैवल कर रहे हैं, कितना बजट लेके चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ ये तीन बंधु ट्रैवल कर रहे हैं, साहिल इकबाल, आयुष सोलंकी और अमन। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं भाई शिवाय रेंटल पे अपनी सेल्फ ड्राइव कार यहाँ पर उठाने, और सब कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे क्योंकि भैया से हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है। इससे पहले भी हम लोग ने और ट्रिप्स करी हैं यहाँ से कार उठा के, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, तो इसलिए फिर से हम लोग शिवाय कार रेंटल पर आ गए। तो जो भी यहाँ पर प्राइजेज हैं वो बहुत ही रीज़नेबल है। तो हमारे साथ यहाँ पर हर्ष भैया हैं जो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो भैया हमें बता दीजिए कि यहाँ पर आना कैसे है। यहाँ पे आपको गेट नंबर 4 से एग्जिट करना है। गेट नंबर 4 की बैक साइड पे शांति पैलेस है। शांति पैलेस के बैक साइड पे सामने गली जाती है, वहीं से आपको बिल्कुल स्ट्रेट आना है, आपको हमारा ऑफिस दिख जाएगा इसे। तो ये आप बाकी देख सकते हैं शिवाय कार रेंटल, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आप लोकेशन पर आ सकते हैं। और बाकी हम अंदर चलते हैं, आपको टैरिफ वगैरह दिखाते हैं, कार के क्या चार्जेस हैं वो आपको दिखाते हैं अंदर लेकर। तो आइए, हमारे साथ चार्जेस दिख रहे हैं वो सारे यहाँ इस लिस्ट पर मेंशन है, और बाकी आप यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको यहाँ पर हर्ष भैया बताएंगे क्या क्या कंडीशन। इसमें आपको अपना आधार कार्ड और लाइसेंस लेके आना होगा, जो आपका आधार कार्ड है फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। प्लस 3000 सिक्योरिटी होगी, जो आपको हैंड टू हैंड रिफंडेबल होगी, जैसी गाड़ी सेम कंडीशन में आएगी एंड आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। और जो गाड़ियों की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा एक्सपीरियंस से बहुत ही ज़बरदस्त रहा, कभी भी कोई गाड़ी में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो लोकेशन यहाँ पर मेंशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो बस अभी निकलते हैं भाई यहाँ से, और एकदम ब्रांड न्यू कार है भाई। और बताओ और कुछ। लग रहा है कि गाड़ी कहीं भी टच ना हो, तो भाई इसलिए इसको आराम से निकलवा रहे हैं गाड़ी को। और उससे पहले भाई यहाँ खाने के प्लान बनने लगे हैं, तो पता नहीं भाई कोई मोमोज वाला दिख गया, वहाँ पर जा रहे हैं, पहले मोमोज खाते हैं फिर इसके बाद निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। तो भैया खा पी कर अब हम निकल गए फाइनली चंडीगढ़ के लिए। बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत के बाद हम लोगों को फाइनली सीट मिल गई और हम लोग बैठ गए। और अभी फिलहाल ऑर्डर का सिलसिला चल रहा है, देखते हैं भाई क्या ऑर्डर कर रहे हैं। और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कार का जो पार्किंग एरिया है पूरा कम्प्लीटली फुल पैक्ड है, और रेस्टोरेंट जो है पता नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, देख सकते हो। गाइज हमने यहाँ पर ऑर्डर करे हुए भाई अमृतसरी कुलचे, और यहाँ पर पनीर प्याज पराठा, ऊपर से जो बटर की जो क्वांटिटी है वो भाई एकदम भर के ज़बरदस्त है। बोल बोल बोल। का ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं भाई सेकंड स्टॉप था, पहला भाई पेट्रोल पे था और दूसरा वाला ये हो गया। तो अब जर्नी को अच्छे से शुरू करना है भाई, क्योंकि अभी भी शुरू 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 चल रहा है पर शुरू नहीं हो रहा अभी तक। तो चलिए यहाँ से बस रवानगी लेते हैं, और उम्मीद है कि भाई बस अब चंडीगढ़ में ही रुकेंगे। अमृत सुखदेव का अगर एक्सपीरियंस रिव्यू बताएं तो भाई बस एवरेज था, जो एक हाइप है वो ओवर हाइप थी एक तरह से। क्यों मंडा हुआ?
फाइनली अभी टाइम हो गया 4:20 और हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़। तो सोचा कि भाई पहले थोड़ा सा हल्का कुछ खा लिया जाए, फिर उसके बाद भाई होटल में चेक इन करते हैं, सोते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे हर हाल में हमको चेकआउट करके निकल जाना है यहाँ से मनाली के लिए। तो फिलहाल ये देखिए भैया, यहाँ पर ये खड़े हुए हैं भैया, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम चल रहा है यहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए 5 बजे अपने भाई होटल के रूम में, और अभी भाई यहाँ पर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे राइट 9 बजे मनाली के लिए। तो गाइस ये ब्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पर बस थोड़ा सी देर का आराम है जो कि 3 से 4 घंटे का, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो ये ब्लॉग इसी ब्लॉग में, अगली ट्रिप भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये ब्लॉग इसी ब्लॉग में। अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू। तो ये हमारा भाई दिल्ली टू मनाली का दूसरा दिन, और हमने आपने जैसे कि आपने कल रात में देखा था कि 4:30 समथिंग हम पहुंच गए थे भाई चंडीगढ़, और हमने रुके हुए थे भाई इस होटल में, 3 ब्रॉस करके कोई होटल है, और अब यहाँ से भाई चेकआउट कर चुके हैं और अब निकलना है भाई मनाली के लिए। तो देखते हैं भाई क्या स्टॉप हो रहे हैं, क्या टोल क्रॉस कर रहे हैं, क्या रूट हो रहा है, सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। मज़ा बहुत तगड़े आने वाला है, तो भाई आप वर्चुअली हमारे साथ बने रहिए और इस जर्नी को इन्जॉय करते रहिए। मानता हूँ भाई थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो गया, क्योंकि भाई दिल्ली से कवर करना स्टार्ट किया, पर अभी फ़िलहाल ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम चढ़ने वाले हैं भाई पहाड़ों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन की और इस ट्रिप की शुरुआत होती है, हमारा पहला स्टॉप हो गया भाई बीकानेर वाला पे, क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ है, तो भाई ब्रेकफास्ट कर। तो भैया ब्रेकफास्ट करते करते हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया 1 घंटा पूरा, और अब आ गया भाई समय यहाँ से निकलने। भैया आप कहीं नहीं रुकना है भैया, सीधा आप मनाली में रुकना, ठीक है? हम लोग ने दूसरा टोल क्रॉस कर लिया इस रोड का, और यहाँ से भाई पहाड़ों की रेंजेस यहाँ से दिखने लगी हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा विजिबल हो, और नज़ारे भाई थोड़ी सी देर में शुरू होने वाले हैं। अमन आगे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, जिनका थोड़ी देर में इनको पीछे आना है, और ये बहाने दे रहे हैं कि हमको वॉमिटिंग आती जाती, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ और यहाँ से भाई हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में एंट्री। यहाँ पर लगता है ना उसका यार वो चार्जेस वगैरह एंट्री फीस वगैरह लगती है, लगेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो भाई एंट्री होते ही हमारी ये पहली टनल यहाँ पर आ चुकी है, और जिसका यहाँ पर ऊपर बड़े ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, टनल नंबर 1। यहाँ से 22 किलोमीटर, मंडी 75, मनाली 182। टनल क्रॉस करते ही हम लोग आ गए भाई दूसरी टनल की तरफ, टनल नंबर 2। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, सेकंड टनल क्रॉस करके फिर आपको यहाँ से कैमरे मिलने वाले, तो आपको स्पीड अपनी मेंटेन रखना है भाई। इस टनल के बाद मैं टेम्परेचर चेक करूंगा। अरे यार तुम लोग मानो चाहे ना मानो, तुम बदल गए। अब आ चुके हैं गाइस टनल नंबर 3 में, और यहाँ से भाई मनाली है भाई 170 किलोमीटर। तो यहाँ से भाई ये आ गया टन मनाली के लिए और शिमला के लिए, शिमला यहाँ से 82 किलोमीटर और मनाली 170। तो हमको लेना भाई लेफ्ट टर्न, और उससे पहले जो इनकी खाने पीने का टर्न गुजारे शिमला, तो इस तरफ से आप चले जाएंगे शिमला जो कि 82 किलोमीटर है, और इस तरफ से आप जाएंगे मनाली जो कि 170 किलोमीटर। ये इस रूट का आ चुका है भाई तीसरा टोल, जिसका भाई 65 रुपीज का टोल है ये।
हमारी इस ट्रिप का तीसरा स्टॉप है भाई डोमिनोज पर। अब हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा मनाली में रुकेंगे। टाइम देखिए यहाँ पर भाई 3:12 हो गया और अब अगर सही से नहीं चले कमी इससे तो भाई 5:30 बज जाएगा पहुँचते। बाहर 400 बाहर चुके हैं मंडी और अब यहाँ से भाई 71 किलोमीटर कुल्लू, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच बचेगा भाई मनाली के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग नहीं पहुँच रहे हैं 5:30 से पहले कहीं, और बल्कि 6 बज जाएगा। और यहाँ से बचा है भाई कुल्लू 50 किलोमीटर और फिर से भाई 4 लेन आ गई, बहुत ही जबरदस्त बन रही है। बहुत बड़ा राउंड काम हो जाएगा ये टनल तैयार होने के बाद। टनल नंबर 12। और भैया ये हम लोग इस रूट का 5वां टोल है जो कि अभी यहाँ पर बंद है। आते टाइम अगर आपको रिवर राफ्टिंग करनी है तो ये कुल्लू में यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है। बहुत सारे यहाँ पर बुकिंग काउंटर्स वगैरह आप देख सकते हैं, रास्ते में जाते हुए आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और अभी यहाँ से भाई कुल्लू बचा 16 किलोमीटर, मनाली 56। पहला रूट जा रहा है कसोल के लिए, मणिकरण के लिए, और ये रूट हमारा जा रहा है भाई मनाली के लिए। और भाई गर्मी हो रही है इतनी ज़बरदस्त यार, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम पहाड़ों पर आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। तो गाइस छोले कुलचे का ब्रेक हो गया और अब हमारे यहाँ से जो होटल है डी शैलेट उसका भाई डिस्टेंस है बस 27 किलोमीटर, तो मतलब कि 25 से 30 मिनट और लगना है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी पर। और जो मौसम है थोड़ा सा बदलाव हो गया है, हम लोग अभी तक इतने ऊपर तक आ गए थे और गर्मी थी मतलब जो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन अब यहाँ पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, मतलब फील हो रहा है कि हाँ वाकई हम लोग। तो गाइस बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग ट्रैफिक जैम से निकल के अपनी प्रॉपर्टी होटल डी शैलेट पर आ गए। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, अगर इसका ब्लॉग देखना चाहते हैं तो जो आई बटन यहाँ पर दिख रहा है इस पर टैप करिए और इसका ब्लॉग जाकर आप पूरा देख सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं, किस तरह से बुक कर सकते हैं, किस कंपनी से बुक कर सकते हैं, क्या ऑफ़र मिल सकते हैं, सारा कुछ आपको मैंने इस डिटेल में बताऊँगा। तो भाई ये ब्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको दिल्ली से लेके मनाली तक की जो रोड ट्रिप दिखाई, जो एक्सपीरियंस दिखाया, वो आपके लिए मज़ेदार रहा होगा, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहा होगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही तगड़े ब्लॉग में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए अलविदा यारो। मनाली आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम आए भाई ये कोई बाइक पॉइंट है मनाली में, पर हम अपनी बाइक उठाने बाइक उठाते हैं। उसके बाद आज रात में तो भाई मोर रोड एक्सप्लोर करने वाले, फिर उसके बाद कल का जो ब्लॉग है उसमें हम सारी चीज़ें सारी डिटेल में एकदम सब कुछ आपको बताने वाले कि कहाँ कहाँ कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं।